ठीक है, स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे पिछली बार जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसमें चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, राइट? ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जो होती है, प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स, रूल्स, गाइडलाइंस, इन सबको मिला के बनाया जाता है। और हमने गैप में पढ़ा था, एक बच्चे ने भी पूछा था गैप। देखिए, जो गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें क्या होता है कि जो गैप बनाया गया, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया, जो अकाउंटिंग बॉडी है हमारी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर हम पूरा यूनिक नहीं रखेंगे, हर हर एक कंपनी एक ही तरीके को फॉलो नहीं करेगी, तो कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। मतलब वो किसी कंपनी को कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे एक दूसरे कंपनी के साथ कि कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है और कौन सी खराब कर रही है। तो इसी के लिए गैप को लाया गया। इससे क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, मेथड्स कॉमन हो जाते हैं और सर्टेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ये वो रूल्स हैं और गाइडलाइंस हैं जो अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने में यूजफुल होते हैं, और इनको हम गैप कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। इज इट क्लियर टू एवरीबडी दिस वन? ठीक यस सर। है, फिर इसके बाद हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले बिजनेस एंटिटी पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि ओनर और बिजनेस दोनों जो है, बिजनेस जो है ओनर को अलग मानती है, अलग ट्रीट करती है, उसको बिल्कुल अलग तरीके से देखती है। ओनर नहीं मानती, उसको लायबिलिटी मानती है। मनी मेजरमेंट में हमने पढ़ा था कि कोई भी बिजनेस के अंदर तभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा जब मनी की टर्म्स में कंपेयर किया जा सके, अदरवाइज उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़ा था एक हमने, इसमें हमने पढ़ा था कि बिजनेस जो है कंटिन्यू चलती रहेगी, ये कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस, हमने पढ़ा कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी बिजनेस खत्म नहीं होती अपने आप, इसको कभी हम खत्म नहीं मान सकते। तो इसीलिए दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। फिर अकाउंटिंग पीरियड पढ़ा हमने, पढ़ा कि कभी अकाउंटिंग, कभी बिजनेस बंद ही नहीं होगी, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो इसीलिए इसको अकाउंटिंग पीरियड बनाया गया। हर एक बिजनेस का एक पीरियड बनाया गया, जिसके अंतर्गत उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, ये जानने के लिए कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है और बिजनेस की पोजीशन क्या है। तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियोडिक कंसेप्ट। एक आता है कॉस्ट कंसेप्ट। देखो, ये कॉस्ट कंसेप्ट में क्या बताया गया है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चीज को कॉस्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करेगी, यानी कि जब उसने उसको खरीदा होगा तो जो भी उसकी कॉस्ट होगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉस्ट वो बुक्स में रिकॉर्ड होगी। जैसे अगर मान लो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लैंड खरीदती है, तो लैंड की जो भी कीमत होगी ना उस समय, वही वाली कीमत उसकी बुक्स में रिकॉर्ड होगी। हो सकता है कि उसके खरीदने के 1 साल के बाद उसकी कीमत डबल हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट में उसको डबल अमाउंट से दिखाओगे आप। आपको उसको उसी कॉस्ट यानी हिस्टोरिकल वैल्यू से दिखानी पड़ेगी, जिस वैल्यू से आपने उसे खरीदा था। तो कॉस्ट कंसेप्ट यही कहता है। तो इसीलिए आप देखेंगे बिजनेस के अंदर जो भी एसेट खरीदी जाती है, जिस प्राइस पे उसने आपने उसे खरीदा है, उसी प्राइस की वैल्यू पे उसको दिखाया जाता है। और अगर उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है डेप्रिसिएशन की वजह से, तो थोड़ा थोड़ा उसका डेप्रिसिएशन मेथड के हिसाब से कम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस के अंदर अगर उसकी वैल्यू अगले साल बढ़ गई तो आप बढ़ते हुए दिखा दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये वाला पॉइंट क्लियर सर है सबको? हाँ सर अगर हमें वो एसेट बेचना पड़ा तो जो हाँ प्रेजेंट है उसका कॉस्ट है उसी पे ही बेचेंगे ना। देखो, अगर आपको एसेट बेचना पड़ा, सपोज करो, देखो मैं ऐसे समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग खरीदी, ठीक है? अब बिल्डिंग, आपको भी पता है कि बिल्डिंग की वैल्यू धीरे धीरे घटती रहती है, डिप्रिसिएशन होता रहता है। तो जब आपने बेटा बिल्डिंग खरीदी, तो मान के चलते हैं कि उस बिल्डिंग की वैल्यू थी 10 करोड़, सपोज करो, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, 10 करोड़ उसकी कीमत। अब सबको पता है कि उसकी वैल्यू थोड़ा थोड़ा घटेगी, मतलब हो सकता है कि अगले साल 50, मतलब 10 लाख कम हो जाए। ठीक है, तो आप जब उसको बेचोगे ना, तो जिस प्राइस पे बेचोगे उस वो हमारा गेन माना जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 करोड़ की बिल्डिंग, सपोज करो 10 करोड़ की बिल्डिंग थी, और 5 साल के बाद उसकी कीमत हो गई है 9 करोड़, मान लीजिए 9 करोड़ कीमत हो डेप्रिसिएशन लगा के। तो आप जब उसको बेचोगे, तो हो सकता है आप 20 करोड़ में बेच दो। तो अगर 9 करोड़ की बिल्डिंग को, क्योंकि उस समय तो वो 9 करोड़ की थी, बेचने वाले दिन उसकी वैल्यू 9 करोड़, 9 करोड़ की बिल्डिंग को अगर आप 20 करोड़ में बेच रहे हो, तो 11 करोड़ का आप गेन दिखाओ। अब आई बात समझ में?
यस ठीक है, लेकिन उसको बुक्स में ना आप 9 मतलब डेप्रिसिएशन लगा के जो उसकी वैल्यू बनेगी वही आप दिखाओगे, ऐसा नहीं है कि मार्केट में ज्यादा वैल्यू है तो ज्यादा से दिखाने लगो या कम वैल्यू है तो कम से दिखाने लगो, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है बिल्डिंग की वैल्यू एकदम बहुत ज्यादा कम हो जाए और हमने उतना कम नहीं कर रखा रूल के अकॉर्डिंग, तो हम उसको ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो का दिखा देंगे, ऐसा कुछ हम अपना वही तरीका फॉलो करेंगे कॉस्ट कंसेप्ट वाला, जितने का खरीदा था उस उतने से रिकॉर्ड होगी और उसकी वैल्यू में थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन होता रहे। ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको, कॉस्ट कंसेप्ट ठीक है। नेक्स्ट था एक ड्यूल कंसेप्ट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये गिविंग और रिसीविंग एस्पेक्ट है, दोनों ट्रांजेक्शन को दिखाया जाता है, डेबिट को भी और क्रेडिट को भी, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, मतलब बिजनेस के अंदर आप देखेंगे अकाउंट्स के अंदर ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट को हम फॉलो करते हैं, दोनों चीजें आती हैं इसमें ठीक है। अब यहाँ आ गए हम इम्पोर्टेंट, ये है रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। देखो रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है, कह रहा है रेवेन्यू इज अर्नड और रिकग्नाइज एट द पॉइंट ऑफ सेल। जब हम देखो रेवेन्यू जब हम सेल कर देते हैं ना तभी हम उसको रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू हम मान लेते हैं कि हमने अर्न कर लिया, मतलब हमें रेवेन्यू मिल गया, बेशक हम लोगों ने उसे उधार दिया हो। जैसे देखो यहाँ लिखा है एग्जांपल कि सेल्स इज रिकॉर्डेड व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश और ऑन क्रेडिट। जैसे मान लो आपने सामान बेचा, तो जब आप सामान बेचते हो तो हो सकता है कि आप उधार भी बेचो या हो सकता है कि आप कैश भी बेचो। देखो कैश बेचोगे तब तो तुरंत पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप उधार बेचोगे तब तो तुरंत पैसे नहीं मिलते ना, लेकिन हम उसी समय उसको बुक में दिखा देते हैं कि हमने सेल कर दिया, सेल हो गया, रेवेन्यू जनरेट हो गया ठीक है, तो हम तुरंत दिखा देते हैं। जैसे रेंट रिसीवेबल फॉर द करंट ईयर इज रिकॉर्डेड इवन इफ इट इज नॉट रिसीव। जैसे मान लीजिए आपने किसी को रेंट पे दिया घर और उसने आपको पैसा नहीं दिया, तो हम तब भी उसको रेंट रिसीवेबल दिखाएंगे, हम मान लेंगे कि हमें रेंट मिलने वाला है, ऑल दो हमें मिला नहीं है लेकिन मिलने वाला है, तो हम उसको बुक्स में उसी समय रिकॉर्ड कर लेंगे उसी डेट कि हमें इस तारीख मतलब आज के दिन हमें रेंट रिसीवेबल था, मिलना था, अभी तक मिला नहीं, तो हम उसको एसेट मान लेते हैं। तो रिसीव रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट यही कहता है कि जिस समय हम कोई सामान को बेचेंगे भले हमें पैसा मिला हो या ना मिला हो, हम उसको मान लेंगे कि हमारा रेवेन्यू जनरेट हो गया है ठीक है। जैसे ही हमारे पास राइट आ जाएगा ना, मतलब रेवेन्यू इज विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड। जैसे ही राइट टू रिसीव मिल हो जाएगा, यानी हमें अधिकार मिल जाएगा कि हमने बेच दिया अब हमें पैसा मिलने का अधिकार है, तो हम इमिडिएटली उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड इट इज टू बी नोटेड दैट रिकॉग्निशन रेवेन्यू एंड रिसीट ऑफ एन अमाउंट आर टू सेपरेट एस्पेक्ट्स। हमेशा याद रखना कि रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू और रिसीप्ट ऑफ एन अमाउंट ये दोनों अलग अलग है। मतलब रिकॉग्निशन का मतलब है मिल भी सकता है, मिला नहीं है, मिल भी सकता है ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। एक और आता है मैचिंग कंसेप्ट। देखो ये भी एक प्रिंसिपल है, इसमें ये बोला गया है कि जो खर्चा जिस साल से मैच कर रहा है ना उसी साल इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, समझ रहे हो ना। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम लोग खर्च करते हैं पैसे लेकिन वो अगले साल के लिए होता है ठीक है, कुछ पैसे हम खर्च करते हैं जो कि अगले साल के लिए होता है, तो हमें उससे इस साल रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, हालांकि हमारा खर्चा इसी साल हुआ है लेकिन वो खर्चा हमने इस साल के लिए नहीं किया था, अगले साल के लिए किया था, तो जो खर्चा हम अगले साल के लिए करते हैं उसको अगले साल के ही बुक्स में दिखाया जाना चाहिए ना कि इस साल के बुक में। जैसे देखो यहाँ पे है एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यूज ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो हमें उसको इसी साल दिखाना चाहिए ठीक है, मतलब जिस साल का खर्चा है उसी साल दिखाना चाहिए। एग्जांपल देखो एक्सपेंसेस लाइक सैलरी रेंट इंश्योरेंस डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू विच दे रिलेट। अब जैसे मान लीजिए कि हमने इंश्योरेंस दे दिया ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस दे दिया, तो इंश्योरेंस तो सबको पता है एक साल का दिया जाता है। अब किसी कंपनी ने या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने मान के चलते हैं कि अक्टूबर 1 को उसने रेंट दिया, अक्टूबर 1 को, और बिजनेस क्लोज हो रही है 31 मार्च को, तो आप गिन लो सिर्फ 6 महीने ही तो इस्तेमाल हुआ, इस साल तो 6 महीने ही हो रहे हैं ना, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च,
छह महीने हमारे पूरे हो गए तो मार्च तक तो साल क्लोज हो गया ना, बाकी के जो सिक्स मंथ हम एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं वो अगले साल का बिलोंग करता है। तो जब भी हम कोई इंश्योरेंस देते हैं और वो इंश्योरेंस मार्च से आगे तक का होता है तो हम अगले जो आगे का हमने इंश्योरेंस दिया है वो अगले साल का खर्चा दिखाया जाए और इस साल हमारे लिए एसेट दिखाया जाए। आगे बात समझिए, तो आधा खर्चा तो हम इस साल दिखाएंगे और आधा खर्चा अगले साल दिखाएंगे, हालांकि सारा का सारा खर्चा हमने इसी साल पे किया है। ये बात समझ में आ गई सबको या फिर समझाऊं? स्टूडेंट्स सर एक बार, चलो देखो एक बार फिर से समझते हैं इसको, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट की और बिजनेस के लिए आपने एक कार खरीद लिया, ठीक है, बिजनेस के लिए ये व्हीकल बिजनेस के लिए। अब आपने ये जो कार खरीदी थी ना फर्स्ट अक्टूबर को खरीदी, फर्स्ट अक्टूबर। अब आप देखो जब आप इंश्योरेंस भरते हो तो इंश्योरेंस तो एक साल का भरोगे ना, तो जैसे ही आपने इंश्योरेंस भरा, मान लो इंश्योरेंस आपको पहले साल भरना पड़ा 5,000, ठीक है, तो 5,000 आपने 12 महीने के लिए भरे, लेकिन ये साल का एंड कब हो रहा है बेटा बताएंगे? मान लेते हैं कि हमने अक्टूबर में खरीदा तो साल का एंड तो 31 मार्च को ही हो जाएगा ना, तो कितने महीने इस्तेमाल हुआ बिजनेस, कितने महीने, 6 मंथ हो गया, 6 फर्स्ट अक्टूबर बोला था, पूरा अक्टूबर भी काउंट करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ हो गए, लेकिन हमने इंश्योरेंस कितने साल कितने महीने का भरा था, 12 महीने का। तो क्या ये जो हमने इंश्योरेंस भरा जो कि हमने 5,000 भरा था, क्या पूरा का पूरा 5,000 इसी साल का खर्चा है या अगले साल का भी है? सर अगले साल का, आधा इस साल का। बिल्कुल सही, एक स्टूडेंट ने कहा सर आधा इस साल का आधा अगले साल का। तो बेटा आधा इस साल का जो है, इस साल का खर्चा इस साल दिखाया जाएगा और जो 2,500 का जो फालतू खर्चा आया वो अगले साल दिखाया जाएगा। बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट, जो इस साल का खर्चा है वो इसी साल दिखाओ, जो अगले साल का खर्चा है वो अगले साल के खर्चे में दिखाओ, ना कि एक ही बार। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सबको। सर वो जो आधा खर्चा बच गया उसको हम अगले साल की कौन सी डेट पे रिकॉर्ड करेंगे? देखो जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना तो उसमें डेट नहीं लिखते अंदर अकाउंट के अंदर, बस हम ये लिखते हैं कि पूरे साल का खर्च कितना है, पूरे साल का। तो पूरे साल का जो खर्च है, मान लो इस साल जो पूरे साल का खर्च है वो हमारा सिर्फ 6 महीने का खर्च होगा, क्योंकि हमने अक्टूबर से लेके 31 मार्च जो है हमारा खर्चा हुआ है और हमारी बुक जो क्लोज हो रही है वो 31 मार्च को हो रही है, तो हमें 31 मार्च तक जो खर्चा हुआ है वही दिखा दें। और अगले साल जब आप दिखाओगे ना तो ये जो 2,500 का खर्चा भरा है ना आपने, ये दिखा देना, और उसके बाद फिर जो 6 महीने का और इंश्योरेंस लगेगा वो दिखा देना, ठीक है। यानी कि कुल मिला के उस साल का जो खर्च है वही दिखाना है, उससे फालतू नहीं दिखाना। इज इट क्लियर? अब जैसे मान लो हमने अपने एम्प्लॉई को मान लो एडवांस में सैलरी दे दी, मान लो 2 साल की सैलरी दे दी एक ही बार, वैसे तो जनरली ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉई 2 महीने की सैलरी फालतू मांग ले, चलो मैं पूरा 1 साल की नहीं दिलवा रहा हूँ, 2 महीने की सैलरी फालतू मांग ले, कभी कभी मांग हो सकता है, उसको बहुत जरूरी हो और ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है तो उसने हेल्प कर दी उसकी, तो वो जो 2 महीने की फालतू सैलरी दिया है ना आपने वो खर्चा नहीं मानेंगे आप, क्योंकि वो तो अगले साल का खर्चा था, तो उसको अगले साल में एडजस्ट करें। बात समझ में आ गई? मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है। इज इट क्लियर नाउ? सर सर फिर इस साल उस खर्चे को प्रीपेड एक्सपेंस नाम से पूरा लिख देंगे ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? देखो उसको ना हम लोग एसेट मान लेंगे क्योंकि हमने एडवांस में पैसा दे दिया है, तो ये हमारे लिए एसेट बन गया, क्योंकि इसी को बुक्स में तो कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा ना आपको, तो आप क्या करोगी इसका 2 इफेक्ट दिखाओगी, क्योंकि ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी तो है हमारे पास, तो इसको क्या करोगी आप कि एक तो इसको आप एडवांस आपने जो सैलरी दी है ये आपके लिए एसेट है, तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट वाले कॉलम में आप लिखोगी प्रीपेड सैलरी 2 महीने की जो भी होगी वहां लिख दोगे, और ये जो आपने प्रीपेड सैलरी दिया है क्योंकि इस साल का खर्चा नहीं है तो आपको क्या करना है बेटा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाएंगे जो हमारा प्रॉफिट निकालने के लिए बनाया जाता है, तो उसके अंदर जो सैलरी होगी ना जितनी भी हमने सैलरी दी है उसमें से ये जो 2 साल की जो प्रीपेड सैलरी है जो हमने फालतू दी है उसको कम कर देंगे, हटा देंगे, माइनस कर देंगे,
तो इससे दो इफेक्ट आ जाएगा, एक तो हमारा पीएनएल अकाउंट में इफेक्ट आ जाएगा और एक हमारा बैलेंस शीट में इफेक्ट आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट सबको। यस सर। ठीक है, और जब हम न्यूमेरिकल करते हैं ना क्वेश्चंस, तो ऐसे ही करते हैं, हमारे पास एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो हम ये सारे के सारे कंसेप्ट का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं। जैसे आपने नोट किया होगा ड्यूल एस्पेक्ट भी आया, मैचिंग कंसेप्ट भी आया, ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट वहां पे इस्तेमाल हो। आगे बढ़ जाते हैं, फुल डिस्क्लोजर। देखिए फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, ये भी एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। इसमें कहा गया है कि जो भी अकाउंटिंग का स्टेटमेंट आप बनाएंगे, इसको आपको ऑनेस्टली बनाना है, ईमानदारी से बनाना है, और इसके अंदर सिर्फ रिलेवेंट मटेरियल ही होगा, यानी कि जो भी आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे काम की इंफॉर्मेशन होगी, और इसमें आप ना मतलब कोई भी फालतू चीज बना के नहीं लिखेंगे। कुल मिला के एक जो भी जितना भी चीजें हैं आपको प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर जैसे मान लीजिए आपने कोई डेप्रिसिएशन लगाने का फॉर्मूला चेंज किया, या आपने कोई भी कोई बदलाव कर रहे हो जिसकी वजह से बिजनेस को इफेक्ट होगा सीधा सीधा, तो आप इस बात की जानकारी बैलेंस शीट के नीचे एक फुट नोट लिख के देंगे कि हमने इस साल डेप्रिसिएशन का मेथड बदला है, या हमने इस साल फॉर्मूला चेंज किया है कोई चीज की कैलकुलेशन करने का। अगर वो बिजनेस को इफेक्ट करता है तो ये बात की जानकारी सबको देनी पड़ेगी। तो यही बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें बताया गया है कि जब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई मेथड में चेंज करती है और उसकी वजह से उसका प्रॉफिट और लॉस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट आता है, तो उस इंफॉर्मेशन को उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ सर? इसमें क्या फिर से बोलो, इसमें सर फुट नोट्स का मतलब क्या है? ये फुट नोट्स का मतलब, देखो फुट नोट का मतलब होता है बैलेंस शीट जब होती है ना, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट लिखा जाता है। मतलब अगर कोई इंफॉर्मेशन बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए, मतलब इन्वेस्टर के नॉलेज में होना चाहिए, तो उसको हम लोग फुट नोट में लिखते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर तो ये बात लिख नहीं सकते भाई। बैलेंस शीट के अंदर तो वही चीज लिख सकते हैं ना जो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। अब आप ये थोड़ी ना लिखोगे वहां पे कि हम लोगों ने इस बार मेथड चेंज किया है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर को पता होना चाहिए, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करेंगे, आपका प्रॉफिट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर आएगा उस। ठीक है, तो इसीलिए इस बात की जानकारी आप अपने फुट नोट्स में दोगे, यानी कि बैलेंस शीट के नीचे एक अलग से लिखा गया स्टेटमेंट होता है। तो आज अगर आप डाउनलोड करते हैं किसी कंपनी की बिजनेस का बैलेंस शीट यानी कि पोजिशन स्टेटमेंट, तो आप देखेंगे उसमें हमेशा फुट नोट रहता है कुछ ना कुछ, उसमें खास चीजें बताई जाती हैं कंपनी के बारे में, जब कंपनी को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल है और इसको जानकारी देनी चाहिए लोगों को। आ गया समझ में बेटा? Am I clear? Now? Yes, sir. ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्या कहा गया है, देखिए इसमें बोला है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है ना कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड शुड बी यूनिफॉर्म। जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप कोई मेथड को बार बार आप चेंज नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी ये कहती है कि मतलब ऐसा होता है ना कई बार क्या होता है कंपनियां अपनी मेथड को जल्दी जल्दी चेंज करती है, तो ये आप अलाउ नहीं है। बोला गया है कि आप कोई भी मेथड इतना जल्दी जल्दी चेंज नहीं करोगे, कोई तरीका अगर आप अपना रहे हो तो उस तरीके को कोशिश करो कि आप यूनिफॉर्म रखो और हर साल उसको ना बदलो। तो ये कंसेप्ट यही कहता है कि कोई भी बिजनेस को अपना बार बार मेथड चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो डेप्रिसिएशन का मेथड यूज कर रही है, तो जब तक बहुत जरूरी ना हो उसको बार बार अपने मेथड को बदलाव नहीं करना चाहिए। ये क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। ठीक है, एक और पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट में कंजर्वेटिज्म, जिसको हम प्रूडेंस के नाम से भी जानते हैं। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए ये प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस जो है कंजर्वेटिज्म होनी चाहिए। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि मतलब अगर इसको लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है तो मत दिखाओ, लेकिन अगर बिजनेस को लग रहा है कि लॉस हो सकता है तो उस लॉस को दिखा दो। इसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, मतलब बिजनेस जो है अपने आप को सेफ रखना चाहती है। तो अगर खर्चा है, अगर उसको लग रहा है कि भविष्य में खर्चा हो सकता है,
तो उस खर्चे को तो वो गिन लेती है, लेकिन अगर उसे लग रहा है कि भविष्य में फायदा भी हो सकता है लेकिन इसकी बात की गारंटी नहीं है तो उसको फायदा नहीं मानेगी, ठीक है। तो जैसे ही उसको दिखेगा कि खर्चा हो सकता है या आगे फ्यूचर में, तो उसको तुरंत मान लेती है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उसे प्रॉफिटेबल भी दिख रहा है तो उसको बिल्कुल भी नहीं मानेगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब हम स्टॉक की रिकॉर्डिंग करते हैं ना, स्टॉक इन्वेंट्री जिसको आप बोलते हैं आजकल, तो इन्वेंट जब हम स्टॉक जो सामान बच गया है उसकी ना हम हमेशा कम वाली वैल्यू जो होती है उसी को रिकॉर्ड करते हैं, हाई वाली वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो स्टॉक होता है हमेशा कम वैल्यू से ही रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि हायर वैल्यू से। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? प्रूडेंस कंसेप्ट, तो प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि लॉस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसको बुक्स में दिखाइए, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट एंड देयर इज नो सच प्रॉफिट येट, देन इट शुड नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर एक और आता है मटेरियलिटी। देखिए मटेरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मटेरियल कंसेप्ट है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका इंफॉर्मेशन वाकई में मैटर करता है, तब तो उसको बुक्स में दिखाओ, अदरवाइज उसको मत दिखाओ। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कभी छोटे मोटे चीजों का खर्चा इनकम सब नहीं दिखाती है। आप जैसे इमेटीरियल फैक्ट्स क्या होते हैं, जैसे इस पेंसिल पेपर है ना, स्केल्स, ये हम एसेट में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। इसको हम स्टेशनरी मानेंगे, खर्चा मानेंगे। अब कई बच्चे बोलेंगे सर है तो हमारे लिए एसेट ही है, जैसे मान लीजिए कैंची है ना, और नोटबुक है, मतलब ये जो छोटे छोटे पेजेस हैं, और पेंसिल है, पेन है, इन सबको हम एसेट नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये इसको एसेट मतलब इमेटीरियल है, इतनी छोटी चीज के लिए हम इसको एसेट कैसे मान सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग ना छोटा मोटा स्टेशनरी का खर्चा मानते, ठीक है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है कि अगर बहुत ही बारीक चीज है और मतलब ना के बराबर है, बहुत मतलब 10 रुपए 4 रुपए 10 रुपए वाला खर्चा है, तो इसको आप अगर आपने इसे खरीदा, जैसे पेन खरीद लिया, पेन बिजनेस में इस्तेमाल होता है, यूज करते हैं हम लोग पेन का, इस्तेमाल करते हैं रिकॉर्ड करने का, लेकिन ये इतना छोटा अमाउंट है कि इसको एसेट में दिखाना बेकार बेवकूफी है। तो इसको आप एसेट में ना दिखा के इसको खर्चा मान लो और खर्चे में दिखा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर, ठीक है। तो ये मटेरियलिटी कंसेप्ट है कि वही चीजें दिखाई जाएंगी जो वाकई में बिजनेस के लिए मैटर करती हैं, जो बहुत ही बारीक चीजें छोटी मोटी चीजें, जैसे मान लो 50 पेन रखे हुए बिजनेस के अंदर, तो क्या उसको अकाउंटिंग में एसेट साइड में लिखेंगे स्टॉक ऑफ पेन्स? उसको हम खर्चा मान लेते हैं, स्टेशनरी का खर्चा मान। आगे बढ़ जाते हैं ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करो जब उसके पीछे आपके पास सपोर्टिव एविडेंस, ठीक है। बिना एविडेंस के आपको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी यानी इसमें ये बोला है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को तभी हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, तभी हमें वो फिगर्स दिखाने चाहिए जब हमारे पास उसके बदले सपोर्टिव एविडेंस, मतलब उसके सपोर्ट में हमारे पास प्रूफ हो कि हाँ ये फिगर सही है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी। Yes. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे जो है हमारे इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं जो हमें पता होना चाहिए 13, ठीक है। इनमें कोई डाउट है किसी को तो बताइए मुझे। सर एक बार एग्जांपल बता दो। कौन सा? सर 10th वाला, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में ये बोला है बेटा कि कभी भी कोई आप फॉर्मूला यूज करते हो या कोई मेथड यूज करते हो कैलकुलेशन के लिए, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, मतलब बार बार उसको बदलो मत। फॉर्मूले को, एक ही फॉर्मूले को, यूनिक फॉर्मूला जो है उसको रहने दो, बार बार उसको बदलना बेवकूफी मानी जाए। बस यही बोल है आपको, उसको बार बार बदलना नहीं। क्या सर? सिक्स्थ वाला में बोला है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसमें बोला है कि कभी भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो उसके हमें दो एस्पेक्ट को याद रखना है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मतलब मान के चलना है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे, जिसमें एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। जैसे बिल्डिंग खरीदा कैश में, तो इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक तो बिल्डिंग आई और दूसरा कैश गया, तो एक तरफ एसेट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ एसेट घट रहा है, तो दो एस्पेक्ट आए इसके। तो कोई भी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे। क्लियर है? Yes, sir. और कोई?
सर जो प्रूडेंस सर सेवेंथ पॉइंट ठीक है, एक स्टूडेंट ने प्रूडेंस पूछा और एक ने सेवेंथ पॉइंट पूछा। पहले प्रूडेंस बता दूं, प्रूडेंस में ये कहा गया है। हाँ सर, इसमें ये समझना है कि जैसे आपने बताया कि हमने कोई एसेट खरीदी तो हम उसको उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे जो ज्यादा होगी, तो सर अगर उसका मार्केट प्राइस ज्यादा है और जिसमें हमने खरीदी है वो कम है तो भी हम मार्केट प्राइस ही दिखाएंगे। नहीं, कंजर्वेटिज्म में मैंने ये बोला कि अगर आप कोई आपको कोई एक्सपेंस दिख रहा है कि भविष्य में एक्सपेंस हो सकता है तो उस एक्सपेंस को तो आप अकाउंट, मतलब अगर आपको लग रहा है कि इस साल ये खर्चा हो सकता है, जैसे मान लो किसी आदमी को आपने उधार दिया तो वो डेटर कहलाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हमारा डेटर लूट सकता है, हमारा पैसा शायद ना दे, तो आप उसको ना बैड डेट मान सकती हो, मतलब उसके लिए अलग से पैसे निकाल के प्रोविजन बना सकती हो कि भाई ये हो सकता है कि 1000 रुपए में से 200 रुपए हमें ना दे, तो इसको तो आपने खर्चा मान लिया, मान लिया पहले ही कि शायद 200 नहीं मिलेगा, 200 का नुकसान होगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो नहीं देगा, दे भी तो सकता है, और ये भी तो हो सकता है कि कोई चीज का हमें फायदा भी हो जाए एक्स्ट्रा, तो उसको हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर भविष्य में अगर हमें खर्चा दिख रहा है तो हम उस खर्चे को तो बुक्स में दिखा देते हैं लेकिन इनकम को नहीं दिखाते जब तक वो इनकम ना हो जाए। ये बताया था मैंने कंजर्वेटिज्म। अब क्लियर है सर? अगर हमें डेटर पे डाउट हो रहा है कि वो हमारे पैसे देगा या नहीं तो सर हम उससे रिसीवेबल भी साइन करा सकते हैं। देखो डेटर तो वैसे लीगली तो आप उसको चैलेंज कभी भी कोर्ट में कर ही सकती हो क्योंकि आपके पास प्रूफ रहता है और आपने उससे पहले ही डॉक्यूमेंट साइन कराए होते हैं। डेटर को प्रीफंड में कोई नहीं देता। उसके बाद भी कई बार ऐसा हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए और आप उससे पैसे वसूल ना कर पाए, ना कर पाओ, तो क्या आप उसके लिए मतलब कहाँ क्या करोगी फिर? मान लो उसकी प्रॉपर्टी वॉपर्टी कुछ भी नहीं है या जो भी है, आपने क्या किया जब वो बैड डेट हो गया, नहीं दे पाया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो कैसे वसूल करोगी? नहीं कर पाओगी। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकती? तो आप पहले ही अंदाजा लगा लो कि शायद नहीं मिलेगा तो उसको पहले ही बैड डेट दिखा दो या उसका पैसा कुछ अलग से अपना पहले ही से प्रिजर्व करके रख लो, खर्चा मान के चलो जिससे कि बिजनेस को ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है। एक बच्चे ने रेवेन्यू रिकॉग्निशन पूछा, कोर्ट में भी तो जा सकते हैं। बिल्कुल जाओ कोर्ट में। कोर्ट यही बोलेगी कि उसके घर के सामान की कुर्की करो, पता चला सारा सामान बेचने के बाद भी पैसे वसूल नहीं हुए तब तो सर कोर्ट तो कुछ डिसीजन लेगी। तो डिसीजन लिया ना कोर्ट ने, आप कोर्ट में गए और पता चला कि उसने जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे वो फ्रॉड नकली डॉक्यूमेंट्स थे, तब क्या करोगे? हाँ फिर से बोलो क्या बोल रहे थे? क्या हो जाएगा? बैड डेट। हाँ इस केस में बैड डेट्स हो जाएगा, एग्जैक्टली हो जाएगा, आप पूरा पैसा वसूल ही नहीं पाओगी। इसीलिए तो ये प्रिंसिपल लगाया गया कि पहले अगर आपको लग रहा है कि नुकसान हो सकता है तो अंदाजा लगा लो और नुकसान दिखा दो। ठीक है। इसीलिए तो हम पहले ही खर्चे को भांप के चलते हैं कि शायद खर्चा हो तो उसके लिए हम अलग से इंतजाम करके रखते हैं पहले ही। इसीलिए प्रोविजन बनाया जाता है बैड डेट के ऊपर कि कल को अगर मान लो डेटर ने पैसे नहीं दिए तो अलग से पहले ही रखा जाता है पैसे की, जो नुकसान होगा उसमें से भरपाई करेंगे हम खुद। ये मान के चला जाता है कि भविष्य में नुकसान हो सकता है। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट ये। ठीक है। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही करते हैं, लीव करते हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरी क्लास भी लेनी है, लीव कर सकते हो।